9 सेकंड में न्यूज में अब वक्त है पंजाब और हरियाणा से जुड़ी खबरों का। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए मान सरकार का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। कैबिनेट की मीटिंग में गन्ने की फसल को लेकर के भी नोटिफिकेशन हुआ जारी। पंजाब की हेमा मालिनी के नाम से मशहूर एक्ट्रेस दलजीत कौर का गुरुवार को लुधियाना में हुआ निधन। 69 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पिछले 3 सालों से थी ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित, कई हिंदी फिल्मों में भी कर चुकी थी काम। पंजाब सीएम भगवंत मान के धरने वाले बयान से नाराज हुए किसान। सीएम मान की किसानों में अपील, धरना खत्म करे किसान। पंजाब के जालंधर में सीएम मान के बयान पर किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल का पलटवार, कहा सरकार कर सकती है किसान जथेबंदियों की जांच, सीएम के बयान की निंदा की। पंजाब के बठिंडा में एक लड़की की गोली मारकर हत्या। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास दो लड़कों के साथ बैठी थी लड़की, तभी बाइक सवार हमलावर ने किया हमला। फायरिंग करने वाले की तलाश कर रही है पुलिस। पंजाब की लुधियाना में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर को गोली लगी जिससे वो घायल हो गया, बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।